तुम बिन जीवन सुना लागे, सुना लागे रे। तुम बिन जीवन सुना लागे, सुना लागे रे। जो ना मिल सके याद वो आए, याद वो आए रे। जो ना मिल सके याद वो आए, याद वो आए रे। मैं ना तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। और पुलिस से और घर वालों से कहोगी क्या? क्या बोलोगे? यही कि हार तुमने मुझे चोरी करके दिया था। आपकी हम उम्र का आदमी आपकी बेटी का रिश्ता मांग रहा है, आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए था? भाई वो मेरा दरीना दोस्त भी है, तुम अच्छी तरह जानती हो। बकवास नहीं करो, आप फंदी से शादी करना हमाकत होगी, मैं ये कह रही हूँ। मॉम आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या, आप एक ही बार बता देना। आप मेरे पीछे पड़ी रहती थी शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो, अब जब हामी भर ली है शादी के लिए उससे भी आपको मसला है। अम्मी की बातों को झूठ कह रही हैं आप, हद होती है भाई बेशर्मी की। तौबा। बस तुम दोनों खामोश हो जाओ, एक लफ्ज मुंह से ना निकले। अम्मी वो फरमा वो कोई छत पे आया था तो वो छत से नीचे उतर रहा था, मैंने उसको देख के उसको मारा तो फरमा ने मुझ पर इल्जाम लगा दिया ये मुझसे मिलने आया और मेरा इसके साथ चक्कर। तुमसे मिलने हार वापस करने, क्या बकवास है ये। शफक सिकंदर को फोन लगाओ दो भाई, मैं बात करूंगी उससे। बेटा कल जो कुछ हुआ वो मेरे लिए बिल्कुल गैर मुतवक्को था, फिर ये सब कुछ मुझसे फरवा कहती ना तो मैं उसका यकीन हरगिज़ नहीं करती, लेकिन कल सब कुछ मेरी आंखों ने देखा। मुझे भी बात हैरत हो रही है, मेरा दिल यकीन करने को तैयार ही नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मुझ पे एतबार? नहीं मैं नहीं, कैसी बातें कर रही हैं? क्यों मुझे गुनहगार बना रही हैं? मैंने ये बात ताबीर के लिए कही, आपके लिए नहीं। सिकंदर ऐसा भी तो मुमकिन है ना कि उस लड़के ने पकड़े जाने के डर से ताबिर का नाम ले लिया। अम्मी घर से बाहर लोगों को अगर बहू बेटी के नाम याद हो जाए तो क्या यही कम बेइज्जती है? कह तो तुम भी सही रहे हो बेटा। अम्मी भाभी की अम्मी की कॉल आई है, आपसे बात करना चाह रही हूँ। उनसे कहो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है। वेलकम टू अफंदी हाउस। आप पहली शख्सियत हैं जो इस घर में इस हक के साथ दाखिल हुई हैं। यू आर द लकी वन। ये तो आपका हुस्ने नजर है। आइए आइए दीनू बाबा। खुश आमदीद बेगम साहबा। थैंक यू, लेकिन आप मुझे बेगम साहिबा नहीं कहेंगे, बेटा या बेटी कह सकते हैं। जी बिल्कुल बेटा, मैं साहब का बरसों पुराना मुलाजिम हूँ, साहब ने कभी मुझे नौकर नहीं समझा। उस मालिक का शुक्र है कि उसने साहब की बेगम भी गरीब परवर दी। उस मालिक के हर काम निराले हैं। साहब किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो भिजवा देता हूँ। पूछिए, कॉफ़ी चलेगी? बिल्कुल चलेगी। अभी मैं दोनों की काफी भिजवा रहा। बढ़िया सी, जब बखैर बेटा। बड़ी मेहरबानी। ये हमारा गरीब खाना। Thank you.
क्या बात है जलीस, आप इस तरह यहां बैठे हैं, परेशान हैं? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो फिर इस तरह बैठे क्या सोच रहे हैं आप? कहा ना, ना बेचैनी है ना ही परेशानी, बल्कि मैं ये सोच रहा हूं कि तुषाने के इस एकदम से उसके आने वाली जिंदगी में क्या असरात मुरतब होंगे। कारोबारी मामलात पर या रोशानी की पर्सनल लाइफ पर? ऑब्वियसली उसकी पर्सनल जिंदगी की, बिजनेस में ऊंच नीच तो मामूली बात है। लेकिन अब जब उसने अपनी मर्जी की शादी कर ली है, तो एक बाप होने के नाते मेरे दिल से दुआ है उसको आने वाले वक्त में कभी कोई दुख रंज और तकलीफ ना पहुंचे। जब ऐसी बात थी तो उस वक्त रोक लेते ना बेटी को। उस वक्त तो आप बड़े हम आवाज और हम ख्याल बने हुए थे। बाज़ुकात आप मामलात को अमलन हैंडल ना करो ना, तो उसका अंदाजा नहीं होता लेला वो किस तरह आपकी जिंदगी पर असर अंदाज होंगे। ये उन्हीं में से एक है। अब सिचुएशन को हम हैंडल कर रहे हैं तो यकीनन हम अच्छी तरीके से हैंडल करेंगे, और रोशानी भी एक समझदार लड़की है, वो हर किस्म की सिचुएशन को अच्छे तरीके से हैंडल करती है। इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। इंशाल्लाह। मैं जैक से कहूँ हमारे लिए कॉफी बनाए? हाँ प्लीज। बड़ी प्लीज बस कर दो, क्यों बेकदरे लोगों के लिए अपने इतने कीमती आंसू जाया कर रही हो? तुम जानती तो हो। मैं जानती ही तो नहीं थी कि तकदीर मेरे साथ ऐसा खेल खेलेगी। रोशनी मेरी दुआ है कि हमारा ये सफर हम दोनों के लिए मुबारक साबित हो। मैं एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी और तुमसे भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ। मेरी वजह से कोई दिक्कत परेशानी हो या कोई तकलीफ हो तो बिला झिझक तुम कह सकती हो। वो चोर जिसने मुझ पे इल्जाम लगाया कि मैंने उसको हार दिया है, क्या दिखाओ। लेकिन ये फरवा के साथ क्या कर रहा है? जो ना मिल सके याद वो आए, याद वो आए रे। तो बस इतना ही एतबार और यकीन था तुम्हें सिकंदर मुझ पर? लम्हों में मुझे और मेरी जात को, मेरी खुददारी को दो कौड़ी का कर दिया। एक दफा भी मेरी बात नहीं सुनी, इतना भी भरोसा नहीं किया और बस खुद से अलग कर दिया, मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा दिया। इंसान गहरे ज़ख्म बर्दाश्त कर सकता है, मगर अगर रूह ज़ख्मी हो जाए तो फिर उसका मदावा करना नामुमकिन है। मैंने तुमसे क्या चाहा, क्या मांगा? एतबार और यकीन ही तो मांगा था, तुम वो भी ना दे सके। एतबार और यकीन के बग़ैर तो ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है सिकंदर। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों मुझ पर यकीन नहीं किया? क्यों मुझे मशकूक नज़रों से देखकर मेरी रूह तक छलनी कर दी? बड़ी प्लीज़ बस कर दो, क्यों बेकदरे लोगों के लिए अपने इतने कीमती आंसू जाया कर रही हो? तुम जानती तो हो। मैं जानती ही तो नहीं थी कि तकदीर मेरे साथ ऐसा खेल खेलेगी। दिल की इस बेकदरी पे आंखों से आंसुओं की जगह खून बह रहा है, जैसे दिल को किसी ने चीर के रख दिया हो। शफक,
तो सोच भी नहीं सकती थी कि सिकंदर मुझ पर रत्ती बराबर भी भरोसा नहीं करेंगे। बड़ी, तुम अगर इतना रोगी, इतना परेशान होगी तो अम्मी पर क्या गुजरेगी, तुम खुद सोचो। सिकंदर की मशकूक नजर मुझे अपने तन बदन पर कौड़ों की तरह बरसती हुई महसूस हो रही थी। उसने तो एक लम्हा भी नहीं सोचा कि जिंदगी भरोसे और एतबार के बगैर बेमायने है। सच कहूं तो ये सारा किया धरा मुझे फरवा का लगता है। वो बदतमीज है, गुसेली है, बदमिजाज है, लेकिन जाहिर और बातिन एक ही है। दूसरों की तरह दोहरी शख्सियत तो नहीं। आ जाओ। इधर जीनू बाबा, भाई चाय लेकर आए। मैं चाय बनाऊं? नहीं, दीनू बाबा के हाथ की बनी हुई चाय पीने का आदी हूं, वही चाय बनाएंगे। ठीक है। रोशानी, मेरी दुआ है कि हमारा ये सफर हम दोनों के लिए मुबारक साबित हो। मैं एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूं और तुमसे भी यही एक्सपेक्ट करता हूं। मेरी वजह से कोई दिक्कत, परेशानी हो या कोई तकलीफ हो तो बिला झिझक तुम कह सकती हो मुझे। आई कैन अंडरस्टैंड। बस मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम जैसी हो बिल्कुल वैसी ही रहो। आई डोंट नीड टू चेंज यू। जी। दीनू बाबा, ले आइए चाय। एक्सक्यूज मी सर, ये कुमैल ने कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं आपके सिग्नेचर्स के लिए। वैसे बहजाद साहब ने इन्हें डबल चेक कर लिया था, आपके कॉन्सेंट के लिए भेजे हैं। आप बस एक बार देख के इन्हें फाइनलाइज कर दें। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। और आप कुछ लेंगे? कॉफ़ी? कॉफ़ी वुड बी गुड। श्योर। हेलो जी। आवाज से तो काफी खुश लग रहे हैं। जब इतनी प्यारी बीवी सुबह रुखसत करे और फिर दोपहर में कॉल करे तो खुशी तो होगी ना। एंड थैंक्स टू योर मॉम। भाई वो क्यों? जैसे वो तुम्हारी शादी के लिए तुम्हारे पीछे पड़ गई थी और मेरी शादी के लिए मेरे पीछे पड़ गई थी, तो इस हिसाब से तो आपको मेरा भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। अच्छा चलिए, अब आप बताइए कि वो क्यों। वो इसलिए कि दो अलग अलग मसाइल को मैंने एक शादी से हल कर दिया। हाँ ये बात तो है, और सच पूछे तो तुम्हारा दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा बस ठीक है, ये थैंक यू की फॉर्मेलिटी खत्म करें, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं नहीं, तुमने तो जिंदगी को देखने की परसेप्शन ही बदल दी, और सच पूछो तो ये एंगल ज्यादा खूबसूरत लगा है मुझे। मैंने जो कुछ भी किया उसमें से कुछ भी प्लान नहीं था। मुझे इस बात की भी शर्मिंदगी हो रही थी कि कहीं आप इस बात को अपने दिल में जगह ना दे दें कि मैंने मॉम के प्रेशर में आके या किसी मजबूरी में आपसे शादी के लिए हाँ की। मगर ये कि अगर मैं आपसे पहले भी मिली होती तो मेरा इंतखाब आप ही होते। मुझे अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो पुरवकार हो, तबीयत में सुलझा हुआ हो और बुर्दबार, और ये सारी खूबियाँ मुझे आप में मिल गई। अच्छा सोच लेती हो वैसे, बाय द वे। थैंक यू। ट्रैवलिंग और रीडिंग की शदीद तलब हो रही है, कहीं चले? ऑफ कोर्स, आप प्लान करें ना, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर दैट। चलो ठीक है, मैं फिर चीजें कंफर्म करके तुम्हें बताता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
शफक, ये सब बंद करो। शादी की तस्वीरें ये क्यों खोल के बैठी हुई हो? अम्मी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। मैं ये मसला हल करके ही छोड़ूंगी, तुम बस बेफिक्र रहो, तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है इन सब की? और कुछ भी करने से पहले ना अम्मी से जरूर पूछ लेना। जब मशवरे की जरूरत पड़ेगी ना तब आप दोनों से मशवरा ले लूंगी। ये सिकंदर भाई का कौन सा कजन है जो उस दिन के बाद नजर ही नहीं आया? दिखाओ। देखो शफक, ये तो वही है, वो चोर जिसने मुझ पे इल्जाम लगाया कि मैंने उसको हार दिया है। क्या, दिखाओ। लेकिन ये फरवा के साथ क्या कर रहा है? बेहिसी और बेतबारी की हद होती है सिकंदर भाई। देखो शफक, मुझे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी तुमसे। इनफैक्ट मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं सिचुएशन के अंदर क्या स्टेटमेंट दूं, क्या बात करूं, क्या कहूं। मैं बहुत खुश हूं तुम्हारी खुशी में। अरे भाई, मेरी जिंदगी अब पुरसकून हो जाएगी। वो कैसे? ये पुरसकून समझो, मैं पुरसकून। तुमने क्या सोचा था कि तुम्हारी बेटी ना खुश रहेगी? जो ना मिल सके याद वो। हेलो, कौन? शफक बात कर रही हूँ। अच्छा, तुम्हारा ये नंबर सेव नहीं था मेरे पास। खैरियत, कैसे फोन करना हुआ? अगर होता तो आप क्या नहीं उठाते? ऐसी बात नहीं, क्यों नहीं उठाता तुम्हारा फोन। खैर छोड़ो, ये बताओ कैसे फोन करना हुआ? बेहिसी और बेतबारी की हद होती है सिकंदर भाई। देखो शफक, मुझे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी तुमसे। इनफैक्ट मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं सिचुएशन के अंदर क्या स्टेटमेंट दूं, क्या बात करूं, क्या कहूं। आपको ये भी नहीं पता कि इस मसले को हैंडल कैसे करना है, लेकिन ये पता है कि यक तरफा फैसला करना है। क्या हो गया तुम्हें? किस तरह से बात करी हो तुम उससे? अच्छा चलो, तुम इतनी इंटेलिजेंट हो ना, तुम बता दो कैसे हैंडल करूं मैं इस मसले को। कम से कम आपको बड़ी की बात तो सुननी चाहिए थी, या नहीं? कहने को कुछ था क्या? सब कुछ तो सामने था। और आपने सामने की बात को सच तस्लीम कर लिया। मुझे आपकी कम नजरी और कम फहमी का अंदाजा नहीं था सिकंदर भाई, मैं माजरत चाहती हूँ। Are you in your senses? किस लहजे में, किस अंदाज में तुम मुझसे बात कर रही हो शफक? मैंने अपने अंदाज की माफी मांगी आपसे। Just listen to me शफक, अगर तुम्हारे पास कोई सच है तो विद प्रूफ मेरे सामने लेकर आओ, वरना मेरा टाइम वेस्ट करने की जरूरत है, मैं पहली बहुत बिजी। मुझे भी कोई शौक नहीं है बिलावजह आपसे बात करने का। ये आप लोगों ने एक बहुत ठोस वजह पैदा की है जब ही कॉल की। सच तो मैं जरूर सामने लेकर आऊंगी, और उस टाइम पर आपके पास मूंछ पाने को भी जगह नहीं बचेगी। मैं आपकी कितनी इज्जत करती थी सिकंदर भाई, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि शायद मैं गलती करती थी। शफक क्यों? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं बहुत खुश हूं तुम्हारी खुशी में। अरे भाई, मेरी जिंदगी अब पुरसकून हो जाएगी। वो कैसे? ये पुरसकून समझो, मैं पुरसकून। तुमने क्या सोचा था कि तुम्हारी बेटी ना खुश रहेगी? अरे अब मेरा नाम कैसे ले रहे हो? सास हूं मैं तुम्हारी। सास तो तुम मेरी हो, लेकिन सास से इस बेचारे की रोक रखी है। जरा दम लो, और वैसे भी हमने प्लान किया है एक लंबे टूर का। अरे अफंदी, अचानक? अरे मेरे अचानक से तो तुम बाखूबी वाकिफ हो। वो तो ठीक है, लेकिन फिलहाल इस तरह तुम्हारा जाना मुनासिब नहीं है यार। तो चलो ठीक है, फिर हम अपना ट्रिप थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। पहले ये ऑफिस के मैटर्स सॉल्व कर लेते हैं।
आई होप कि कोई मसला तो नहीं है ना तुम्हें? तुम्हारी मॉम के अलावा किसी को मसला नहीं है? अरे आप लोग हैवी में मुझे क्यों विलन बना रहे हैं? मुझे क्या मसला होगा, बल्कि मैं तो खुश हूं कि रोशनी अब सोशलाइज करेगी। सिकंदर भाई फोन उठाएं। आपको क्या लगता है, आप फोन उठाएंगे तो सच से फरार हो जाएंगे? हरगिज़ नहीं है, फोन तो आपको उठाना पड़ेगा। सिकंदर साहब, आपको क्या लगता है कि आप मेरी कॉल इग्नोर कर देंगे तो सच से फरार हो जाएंगे? नहीं, झूठ के पाँव नहीं होते, लेकिन सच हर जगह पहुंच जाता है। आपको एक पिक्चर सेंड कर रही हूँ, वो देखिए। ये तस्वीरें भेजकर तुम क्या साबित करना चाहती हो? और ये फरवा के साथ है कौन? अरे वाह, बड़ी जल्दी रिप्लाई कर दिया। ये तस्वीरें भेजकर तुम क्या साबित करना चाहती हो? और ये फरवा के साथ है कौन? मेरी बहन की झूठी कहानी में तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं था, मगर अपनी माँ की और बहन की सच्ची कहानी के इस मेन किरदार को तो देख लेते, इसकी तो कुछ तहकीकात कर लेते। जी, ये वही चोर है, वही है जिसने मेरी बहन पर इल्ज़ाम लगाया था, और ये आपकी बहन फरवा का आशिक भी है। ये सब क्या है? क्या शफ़क सही कह रही है, या फिर हो सकता है कि वो ताबीर की गलती को छुपाने के लिए ये सब कर रही है? इस बात की क्या जमानत है कि ये लड़का वही है जो चोर था और ताबीर का नाम ले रहा था, और हार भी इसी के पास से बरामद है। ये क्या किया मैंने तो ताबीर की एक ना सुनी, उसको फौरन कटहरे में मुजरिम की तरह खड़ा कर दिया, और ना ही मैंने ये जानने की कोशिश की कि वो लड़का हार के बारे में कैसे जानता। हेलो। हाँ रोशन है, अगर बिजी नहीं तो जरा मेरे कमरे में आना, एक दो चीज़ें डिस्कस करनी है। हाँ, मैं भी इसी प्रोजेक्ट की स्टडी कर रही थी, एक दो पॉइंट्स हैं जो मुझे आपसे डिस्कस करने हैं। आई एम कमिंग इन अ मोमेंट। हाँ ओके।
आओ आओ कम इन सर आओ 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 किसकी कंसाइनमेंट देख रहे हो तुम ये वो चाइनीज जो प्रोजेक्ट है उसकी ये इनिशियल रिपोर्ट है ये अच्छा आप किस मामला के बारे में बात कर रहे थे ये जलीस की कंसाइनमेंट की फाइल है इसको अच्छी तरह से देख लो पहले तो इसको मिजाज साहब हैंडल कर रहे थे लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसको अब तुम देखो अच्छा तो ये प्रोजेक्ट मैं अपने डैड का समझूँ आपके दोस्त का या फिर आपके ससुर का ना तो मेरे ससुर का समझो ना ही अपने डैड का दोस्त का समझो और बस ये याद रखना कि कोताही के चांसेस 0% है ओहो आप तो मुझे अभी से डरा रहे हैं मुझे प्रेशर लेने की आदत नहीं है अरे तुम्हें प्रेशर लेने की क्या जरूरत है तुम्हारे सामने जीता जागता मैं बैठा हुआ इतने प्रेशर्स लेने के लिए आप बिना कहाँ की बात कहाँ मिला दो अच्छा चलो एक जरूरी बात सुन लो इसमें कुछ चीजें कॉम्प्लिकेटेड हैं जैसे लेबर और टाइमलाइन व्हिच आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर राइट गुड लेबर मीट द गुड टाइमलाइन अरे वाह आई एम इंप्रेस्ड तुम्हें तो खासी समझ है काम के हवाले से ऑफ कोर्स मॉम और डैड अक्सर डिस्कस करते रहते हैं बिजनेस मैटर और बाय द वे I am graduated from business school, huh? अरे शुक्र है अब मैं पुरसकून कि there is somebody to handle the situation. सब कुछ तुम्हारे सामने है अगर कोई स्टाफ हायर करना चाहती हो एक्स्ट्रा ऑल अप टू यू ओके बॉस अब मैं जाऊं अरे फरवा तू पागल है क्या उस दिन तेरी अम्मी ने मुझे देख नहीं लिया था मरवाएगी यार तू ओहो अम्मी को कौन सा तुम्हारी शक्ल याद होगी भूल भी गई होंगी वो तो और वैसे भी अभी भाभी नाम की बला भी इस वक्त घर पे नहीं है फौरन तुम रिश्ता भेज दो ये बेटी को तालीम दिलवाने का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि उसे नौकरी भी करवाई जाए एक पढ़ी लिखी माँ एक सेहतमंद माशरे को जन्म देती है देखो बहन आजकल के दौर में अच्छे रिश्ता मिलना बिल्कुल नामुमकिन है और मेरा बेटा लाखों में एक है लाखों में अकलौता है वो और हम अच्छे खाते पीते घरान से ताल्लुक रखते हैं कोई ऐसे वैसे नहीं है जो ना मिल सके याद वो आए रे जो ना मिल सके याद वो आए रे आशिकीन मुझे ये बताओ कि तुम अपनी अम्मी को कब भेजोगे मेरा हाथ मांगने के लिए अरे फरवा तू पागल है क्या उस दिन तेरी अम्मी ने मुझे देख नहीं लिया था मरवाएगी यार तू ओहो अम्मी को कौन सा तुम्हारी शक्ल याद होगी भूल भी गई होंगी वो तो और वैसे भी अभी भाभी नाम की बला भी इस वक्त घर पे नहीं है तो फौरन तुम रिश्ता भेज दो अरे यार फरवा वो बात नहीं है आने को तो मैं आज आ जाऊँ लेकिन सोचता हूँ कि कोई गड़बड़ ना हो जाए तू संभाल लेगी ना हाँ भाई अब तक संभालती आई हूँ ना तो आगे भी संभाल लूंगी बस तुम फौरन आज ही भेज दो अपनी अम्मी को रिश्ते के लिए अरे वाह बस ठीक है तू घर पे बता दे मैं आज ही भेज रहा हूँ अम्मी को तुम भी ना एक नंबर के जाहिल हो भाई ऐसे ही आ जाओ रिश्ता लेकर कि कहीं जिक्र सुना था इसलिए लड़की को देखने आए मैं क्या बोलूंगी कि कौन हो कहाँ से कैसे आयो और मैं कैसे जानती हूँ तुम भी ना अकल से पैदल हो अच्छा हाँ और मजीद ना मुझे मैसेज नहीं करना शाम तक बस तुम अपनी अम्मी को भेजो मैं चाय वाय का इंतजाम कर लूंगी तुम बस रिश्ते के लिए भेज दो ना अपनी अम्मी को अच्छा अच्छा भेजता हूँ चल ठीक है फिर ओके ठीक है अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज सर वो अफंदी साहब जा रहे हैं आपके लिए कह रहे हैं कि आप रेक्स टेक्सटाइल वालों से मीटिंग कर लें तो क्या आ गए बोलो नहीं बस आधे घंटे में पहुंचने वाले हैं अच्छा तो तुम एक काम करो कि उनको बोर्डरूम में बिठाओ ठीक है और मुझे आके इन्फॉर्म कर दो अच्छा फारूक साहब को भी जरा इन्फॉर्म कर दो सर वो तो ऑफ करके चले गए हैं ठीक फिर मैं अकेला ही मीटिंग कर लेता हूँ उनको बोर्डरूम में बिठाओ मुझे बताओ मैं ऑफिस में बैठा हूँ ओके ओके सर आज के काम ज्यादा था जो इतने देर तक बैठी थी जी काम बहुत ज्यादा था बहुत सारी चीजें वाइंड अप करनी थी इसलिए टाइम लग गया चलो चले चले रस्ते में से चाइनीज भी उठा लेंगे मैंने ऑर्डर कर दिया हाँ बहुत भूख लगी थी अरे बहन जहाँ बेरी हो वहाँ पत्थर तो आते ही हैं बताऊँ तुम्हें कि मुझे पता चला कि तुम्हारी बेटी अकेली है
और अपनी माँ और भाई का बड़ा ही ख्याल रखती है, साथ साथ पढ़ाई भी कर रही है। तो बस मुझे अपने बेटे के लिए ऐसी ही लड़की की तलाश थी। जी वो तो ठीक है, पर फरमा भी पढ़ रही है। लो भाई, अब तुमने भी अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर उसकी कमाई खाने का प्लान कर लिया है क्या? देखिए, बेटी को तालीम दिलवाने का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि उसे नौकरी भी करवाई जाए। एक पढ़ी लिखी माँ एक सेहतमंद माशरे को जन्म देती है। देखो बहन, आजकल के दौर में अच्छे रिश्ते मिलना बिल्कुल नामुमकिन है, और मेरा बेटा लाखों में एक है, लाखों में अकलौता है वो, और हम अच्छे खाते पीते घराने से ताल्लुक रखते हैं, कोई ऐसे वैसे नहीं है। आपकी बात वजह है, वैसे आपके बेटे की तालीम कहाँ तक है? बस दो बार मैट्रिक में फेल हुआ है। फिर इसके अब्बा ने कहा, अबे जीनत, इसके बस की बात नहीं है मैट्रिक, बस फिर अपने साथ कारोबार में लगा लिया। क्या मतलब है आपका, वो मैट्रिक फेल है? हाँ, तो जितनी बार मेरे बेटे ने पढ़ाई की है ना, मैं तो कहती हूँ कि मैट्रिक वाले से ज्यादा उसको सबक याद है। बस मेरे बेटे के नसीब में मैट्रिक पास नहीं था, मगर मालूमात पूरी है, और वैसे भी हमने कौन सा उससे नौकरी करवानी है। अरे बहन, एमए बीए पास मेरे बेटे के पास नौकर हैं। लो भला बताओ, ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा कि एमए बीए पास एक मैट्रिक फेल के मातहत काम करते हैं। अफंदी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आपसे शादी के बाद मेरी जिंदगी में एक ठहराव आ गया। एक अजीब सी बेचैनी थी अंदर जो अब महसूस नहीं होती। चलो अच्छा है कि तुम मुतमईन हो। मैं वैसे सोच रहा था कि कभी मेरे साथ चलते हुए गैर फितरी रद्द अमल का सामना करना पड़ सकता है। ये चोर आपका बेटा है? ए, क्या चोर चोर लगा रखा है मेरे बेटे को तूने? बेटा ये हमारी फरवा का रिश्ता मांगने आई है अपने बेटे के लिए। इस चोर के लिए? रिश्ते सब अनजान हुए हैं, चेहरे फिर भी याद है मुझको, यादों में आबाद है अब तक, कैसे भूले तुझको, जो ना मिल सके याद वो आए, याद वो।